अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा पार्लर सीक्रेट ब्राइडल बेस मिक्सिंग कैसे करते हैं। आगे ऑलरेडी आपको मैंने एक वीडियो में सिखा दिया है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा और मेथड था, लेकिन ये जो है ये थोड़ा न्यू मेथड है, ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, लिक्विड तो बहुत कम ही मैं यूज़ करूँगा। आपको सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया। आपने कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में करने और वीडियो को लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना है। 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ इस वीडियो में। आपने अब मैं देखता हूँ कि आप कब तक इसे पूरा करते हैं इस टारगेट को, तो हम चलें वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी मैं बाउल ले रहा हूँ, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। उसमें मैं हांडी बेस, जो कि क्रीम बेस, आप हांडी बेस के नाम से ज़्यादा फेमस है, आप इसे यूज़ कर लें या कोई भी क्रीम बेस यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे हांडी बेस यूज़ करूँ आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि ये हर लोकल मार्केट पे इजीली मिल जाती है, तो आपको भी किसी लोकल मार्केट से ये मिल जाएगी। तो इसको मैंने ऐड कर लिया, माइनर सी क्वान्टिटी लिया, ज़्यादा इसकी क्वान्टिटी नहीं ली। एक ब्रश की हेल्प से मैंने बाउल में ऐड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी अफोर्डेबल प्राइमर ले सकते हैं। मेरे पास हुदा ब्यूटी का प्राइमर है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप लोकल ब्रांड का भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने प्राइमर इसमें ऐड किया है। उसके बाद जी मैं इसमें ऐड करूँगा शेफर का ये मिनरल बेस। ये बेस को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। अगर आप फाउंडेशन पे भी इसकी एक लेयर दे देते हैं, मिनरल बेस है, इसे आप पानी में हल करके मिक्स करके पानी में ऐड करके थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें, और 80% बेस हो, 20% इसमें पानी हो, तो आप इसे अप्लाई कर लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये रिज़ल्ट देता है, बेस को पक्का लॉक कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मैं मैक का बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल पैनकेक यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा ड्राई हो चुका है, इसलिए मैं स्पूली ब्रश की हेल्प से इसे क्रश करके ऐड करूँगा। अफोर्डेबल बेसिस इसलिए मैं आपको सिखा रहा होता हूँ, ताकि आपको किसी भी शॉप से ये इजीली मिल जाए और आपको कोई परेशानी ना हो और बहुत ही कम पैसों में ही मिल जाए। मेरा यही मकसद होता है, आपको कम प्राइस में और अच्छी चीज़ जो है वो आपको सिखाना और दिखाना। इसको भी मैंने ऐड कर लिया। और उसके बाद जी इसी मैक के पैन केक को, वो जो शेड था वो रोज़ 36 था, और ये जो है ये फेयर शेड है, इसके ऊपर मैं वाटर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। लिक्विड बना के, पेस्ट बना के इसका मैं ऐड करूँगा। बहुत कम क्वांटिटी लूँगा, ज़्यादा नहीं ले रहा, क्योंकि एक फेस के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। आपने भी अगर एक फेस के लिए बनानी है तो इतनी बनाए, अगर आप रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आप फिर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जितना आपको बनाना है। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और इसके अंदर मैं ऐड करता जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मैंने इतनी सी क्वांटिटी इसकी ली है, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। बहुत अच्छे आपने वेल मिक्स करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हांडी बेस है, क्रीम बेस है, उसके स्टिक की तरह होती है, स्टिक बहुत सख्त होती है, वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो मिक्स होने में थोड़ा टाइम लेती है, उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पर जी मैं मेन प्रोडक्ट जो यूज़ करूँ वो स्ट्रॉब क्रीम, इसको बनाना मैंने आपको सिखाया है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने ऐड किया है। उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है, ड्राई स्किन आ जाती, ऑयली स्किन आ जाती है, तो फिर आप स्ट्रॉब क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं। अगर ड्राई है तो फिर आप स्ट्रॉब क्रीम ऐड करें, अदरवाइज़ आप ऐसे हाईलाइटर ही ऐड कर सकते हैं क्रश करके। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक मेकअप कोर्स लाना चाहता हूँ, 1 मंथ का। वीक में 2 वीडियोज़ आया करेंगी, आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। जो लोग बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मैं उनके लिए कोर्स लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छा, और आपको घर बैठे आप सीख सकते हैं, मैं आपको सिखाऊँगा ऑनलाइन। और इस कोर्स का एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में उसका क्या प्रोसीजर होगा। अगर आप कमेंट करें तो फिर मैं आप लोग के लिए वो कोर्स लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने मिक्स करने के बाद फाउंडेशन जो है अप्लाई कर लिया। यहाँ पे अगर आपकी स्किन पे कोई डार्क सर्कल है, कलर करेक्शन करने वाली स्किन है, तो आपने वो कर लेनी है डार्क फाउंडेशन से या कलर करेक्टर से। उसके बाद आपने ये फाउंडेशन अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पे फाउंडेशन डायरेक्ट ही अप्लाई करूँ, इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगा। इसकी कवरेज जो है वो आप देख सकते हैं, अफोर्डेबल बेसिस के साथ ये मैंने आपको बनाना सिखाया है, बहुत ही आला इसकी कवरेज है। अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करके ब्लेंड करना है, ताकि फाउंडेशन के अंदर अच्छे तरीके से ग्लो आ जाए। ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, जब तक फाउंडेशन में ग्लो नहीं आता एक अच्छा सा, उस वक्त आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करते रहना। ब्लेंडिंग करने के बाद जो है मैं इसे फेस पाउडर से या किसी भी लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं स्किन के अकॉर्डिंग, उससे मैं सेट कर लूँगा। अगर ड्राई स्किन है तो फिर आप कॉम्पैक्ट यूज़ करें, अगर ऑयली है तो यही बेहतर है कि आप लूज पाउडर यूज़ करें, कॉम्पैक्ट को अवॉइड करें।
यहाँ पे कॉम्पैक्ट जो ग्लैमरस फेस का 02 शेड ले रहा हूँ ये येलो टोन में है। अगर आप मीडियम स्किन पे भी ये यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ज़्यादा फेयर नहीं कर देता। इसको मैं अच्छे तरीके से स्पंज की हेल्प से सेट कर लूँगा टैप टैप करके, और उसके बाद आपको मैं वाटर टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि इसका कैसा रिजल्ट है और ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, वाटर प्रूफ है या नहीं, स्वेट प्रूफ है या नहीं, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको वाटर टेस्ट करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से स्प्रे करूँ पानी का, काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे स्प्रे किया है, और उसके बाद टिश्यू के साथ भी दिखाऊंगा और हाथ के साथ भी मैं आपको दिखाऊंगा। टिशू मैं ऊपर टैप करूं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये टिशू के साथ बिल्कुल भी कोई बेस नहीं आ रही, खाली पानी ही आ रहा है, टिशू वेट हो गया लेकिन बेस बिल्कुल भी उसके साथ नहीं आई, एज इट इज़ ही बेस है जैसे कि वो स्किन पे लगी हुई है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बेस है ये आप देख रहे हैं। हाथ को मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से टैप टैप करूं, रगड़ रहा हूं, लेकिन फिर भी ये बेस वैसी की वैसी नहीं उतरी। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।